नेम प्लेट कहाँ और कैसे लगाएं? बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। आपके घर के बाहर लगी हुई आपकी नेम प्लेट, सबसे पहले तो ये आपको मैं बता दूं कि नेम प्लेट लगाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपका नाम एस्टेब्लिश होता है, आपके नाम को स्टेबिलिटी मिलती है, एक रिकॉग्निशन मिलती है। कई लोग कहते हैं कि हमें तो कोई जानता ही नहीं है, हम तो छोटे मोटे लोग हैं। ऐसा कहना भी छोड़ दीजिए, मेरी हर बात को अगर आप एक टिप में लेंगे तो लाइफ में बहुत अच्छी प्रमोशन होगी। तो नेम प्लेट कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, कौन सी चीज़ में लगाएं, ये मैं आपको इस शो में बताऊंगा। और लास्ट में एक स्पेशल उपाय ज़रूर बनता है। नेम प्लेट का जो मटेरियल है वो कौन सा होना चाहिए? आप प्लास्टिक की नेम प्लेट बिल्कुल भी नहीं लगाएं। कोई जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस होते हैं, बहुत आर्टिफिशियल सब्सटेंस जो होते हैं, बिल्कुल भी आपने नेम प्लेट के लिए यूज़ नहीं करने हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नेम प्लेट्स मिल रही हैं कि आप कीजिए और आपके घर में नेम प्लेट आ जाएगी, लेकिन उसका मटेरियल शुभ नहीं माना जाता। आप नेम प्लेट मिट्टी की भी नहीं लगाइए, क्योंकि मिट्टी में क्रैक्स आ सकते हैं और कोई भी चीज़ अगर क्रैक्ड है तो वो आपके लिए शुभ नहीं है। सबसे शुभ है पत्थर की नेम प्लेट, मार्बल की नेम प्लेट और वुड की नेम प्लेट, प्योर शीशम में, रोजवुड में, या प्योर टीक में, या किसी भी प्योर लकड़ी में, प्लाई बोर्ड नहीं, वुड एंड मार्बल, ये दो चीज़ों में नेम प्लेट बहुत अच्छी है। स्टील की भी नेम प्लेट मैं आपको एडवाइज नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये रिपल्स करती है, स्टील के अंदर बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल की पावर होती है, तो आपको यह मटेरियल यूज़ नहीं करने हैं, वुड और मार्बल यूज़ करना है। दूसरा उपाय है कि आप नेम प्लेट कहाँ लगाएं? ऑफ कोर्स घर के बाहर लगाएंगे, कॉमन सेंस है ये, लेकिन कहाँ लगाएं घर के बाहर? मैक्सिमम घरों में देखा कि नेम प्लेट ठीक दरवाजे के ऊपर लगी हुई होती है। दरवाज़ा खोलेंगे, नेम प्लेट मूव करेगी, दरवाज़ा बंद करेंगे, नेम प्लेट मूव करेगी। मैं बिलीव करता हूँ स्टेबिलिटी में, स्ट्रांगनेस में, और ओवरऑल आपकी जो नेम प्लेट है दिन में 40-50 बारी अंदर बाहर मूवमेंट कर रही है, तो यह शुभ नहीं है। नेम प्लेट को दरवाजे के लेफ्ट साइड या राइट साइड पे लगाइए। ऐसा करने से स्टेबिलिटी मिलेगी, नेम प्लेट हमेशा स्थिर रहेगी, एकदम स्टेबल रहेगी। अब बात करते हैं नेम प्लेट किस लेवल पर लगाएं। तीसरा पॉइंट है ये, बहुत सारे बंगलोज में मैंने देखा, फार्म हाउसेज में देखा कि नेम प्लेट बहुत ही कम लेवल पर लगी हुई है, हमारी नाभि से नीचे नेम प्लेट जा रही है, अशुभ है। क्योंकि घर के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी, डॉग्स, बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स उसको गंदा कर रहे हैं और आपका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है। आप नेम प्लेट को चेस्ट लेवल पर लगाएं, जो भी एक एवरेज चेस्ट लेवल होता है, 4.5 फुट का चेस्ट लेवल लीजिए और उस लेवल पर आपकी नेम प्लेट होनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट आता है कि नेम प्लेट के ऊपर क्या आप स्पिरिचुअल सिंबल्स लगा सकते हैं? जी, स्वस्तिक का सिंबल आप नेम प्लेट के ऊपर लगा सकते हैं। ऐसा करने से शुरुआत अच्छी होगी और एक सिग्निफिकेंट अप्रोच आएगी और एक सिक्योरिटी सेंस आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है कि अगल और बगल में गणेश जी की फ़ोटो लगा दी जाती है, लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगा दी जाती है, भगवान की बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, और हम उनके आगे, उनके साथ टिक नहीं सकते। तो नेम प्लेट पर आपने भगवान की फ़ोटो नहीं लगानी है, आप सिर्फ सिंबल लगाइए, ओम का सिंबल या स्वस्तिक का सिंबल लगाइए। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसे स्पेशल पॉइंट समझें या इसे आप टिप समझें तो भी मान लीजिए, यह बहुत काम का उपाय है। कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा, नेम प्लेट के ऊपर फोकस लाइट होनी बहुत ज़रूरी है, पीले रंग की फोकस लाइट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेम प्लेट को सामने से लाइट आए या उसके ऊपर कोई आप लाइट लगाएं जिससे नाम आपका चमकता रहे, जब आप सोएं
24 घंटे वह लाइट अगर जल रही है, सूर्य की रोशनी में लाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, जहाँ पे अंधेरा होता है दिन में भी, वहाँ पर उसके ऊपर लाइट अगर लगी हुई है तो आपकी लाइफ अच्छी बनती है। लाइव वास्तु यही चाहती है कि लाइफ अच्छी बने, स्मूथ चले। ओम नमः शिवाय। सब्सक्राइब नाउ फॉर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस बाय डॉक्टर पुनीत चावला।